गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय माँ भारती। आज का जो डीएमआईटी का तीसरा जो सत्र है उसमें सभी का स्वागत है। आज मैं पहले एक स्टेटमेंट मैं कहना चाहूंगी कि आज का अगर सेशन आप पूरा सुनोगे और बनाए रखोगे पूरे एंड तक तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज जो आपके जो दिमाग में चल रहे जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू सर्विस होगा या रिलेटेड टू रेवेन्यू होगा, ये सभी सॉल्यूशंस जो भी है उसका जो क्यूरीज है उसका सॉल्यूशन आपको आज मिलने वाला है। तो मैं आप सभी से, मे भी आज का जो सेशन है हमारा थोड़ा सा लंबा चल सकता है क्योंकि हैंडओवर ही थोड़ा सा लेट हुआ था, तो मैं आप सभी से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लास्ट तक बनाए रखिए ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से मिल सके। आज जो हमारा तीसरा जो सेशन है जो डीएमआईटी के ऊपर जो है वो मैं आज का ऐसा होने वाला है आपका कि पहला जो सेशन हमारा था उसमें आपको एक एक करके पॉइंट्स जो समझाए गए थे कि जो डीएमआईटी में क्या होता है, डर्मेटोग्लिफिक्स क्या होता है, उसके बाद में क्या डिफरेंट लोब्स होते हैं हमारे, लर्निंग स्टाइल्स क्या होती है, पर्सनैलिटीज क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, देन उसके आर्ट इंटेलिजेंस क्या होते हैं, ये सभी आपने सीखे हैं। आज आप देखने वाले हो उसका वही देखने वाले हो पर अलग कोई ढंग से देखने वाले हो। तो आप, मैं डायरेक्टली टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं मेरा एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगी, तो आप बनाए रखिएगा इसमें, और मैं लास्ट में आपके फीडबैक जरूर सुनना चाहूंगी या देखना चाहूंगी या ग्रुप में आना चाहेंगे ताकि हमारी पूरी टीम, पूरी डीएमआईटी जो 3 दिन से लगी हुई है यहाँ पर, तो उनको एक मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले ताकि हम ऐसे ही आगे चलकर ये हमारा जो टेम्पो है, जो मोटिवेशन है वो बनाए रखे और आपके सामने प्रेजेंट कर सके। तो आइए हम चलते हैं डीएमआईटी की ओर की ये डीएमआईटी क्या होता है, और एक समराइज व्यू आपको दिखेगा कि एक डीएमआईटी क्या होता है, उसमें क्या एक हमारा प्रीमियम मॉडल क्या हमने लॉन्च किया है। तो एक बहुत अच्छी तरीके से एक प्रेजेंटेशन के द्वारा हम सीखने वाले और हम देखने वाले, तो हम डायरेक्टली टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक टॉपिक के ऊपर जाते हैं, क्योंकि आपको एक समराइज स्वरूप आज देखना है और क्योंकि आपने एक विस्तार से आपने देख लिया है कि डर्मेटोग्लिफिक्स ये क्या होता है, डीएमआईटी का इस जो भी जनरेशन अभी है या अभी के दौर पर क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जो भी अभी पेरेंट्स अगर आप देखते होगे या जो भी स्टूडेंट्स अगर आप देखते होगे तो बहुत ही कंफ्यूज सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि पेरेंट्स का बच्चों को समझ में नहीं आता और बच्चों को पेरेंट्स का समझ में नहीं आता, तो इनके गैप के वजह से, डिफरेंसेस के वजह से दोनों की बातें एक प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं रुकती। इसके वजह से करियर को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर सभी के दिमाग में कंफ्यूजन है कि एटलीस्ट क्या करना है लाइफ में, जिंदगी जीना है पर किस प्रकार से जीना है और किस प्रकार, क्यों हम इस जिंदगी में, ये लाइफ में क्यों आए हैं, ये हमारा मकसद क्या है, वो अगर हम जान लेते तो उस डायरेक्शन में हम आसानी से जा सकते हैं। पर अभी के जो जनरेशन अभी जो चल रही है वो क्या है, टेक्नोलॉजी में तो हम आगे बढ़ चुके हैं पर हमारी जो अंदर की, जिसने भी ये टेक्नोलॉजी बनाई है, जिस दिमाग ने ये बनाई है, पर अभी का जनरेशन उसी दिमाग से बहुत कंफ्यूज हो चुका है। तो ये कंफ्यूजन को एक क्लियरिटी में बदलने के लिए जो डीएमआईटी है उसकी ओर हम जाते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। ओके, तो आई थिंक मेरा स्क्रीन शेयर हो गया है, जस्ट मुझे एक मैसेज मिला तो अच्छा होगा। हाँ, स्क्रीन शेयर हो गया। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आइए हम देखते हैं कि एक इनोवेटिव मॉडल जो हमारे सामने है वो देखते हैं कि डीएमआईटी, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, जो ऐसा एक हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हम लोगों को एक दिशा भी दे सकते हैं और उनकी लाइफ की जो दशा बिगड़ गई है तो उनको एक अच्छा एक डिरेक्शन दे सकते हैं। तो उस दशा को दिशा में बदलने का जो एक तरीका है वो डीएमआईटी है, और इस रेवेन्यू के जरिए भी हम अपना जो लाइफ का है, क्योंकि इस डीएमआईटी से आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि मैंने मेरी जिंदगी को अच्छी तरीके से जिया है, और एक सेटिस्फेक्शन आपको इससे मिलेगा कि आपसे जो मेन हमारा जो एक टॉनिक होता है, दैट इज एम टॉनिक या विटामिन एम जो हम बोलते हैं, वो भी इससे हमें मिलने वाला है। इससे दोनों तरफ की सिचुएशन जो होने वाली है विन विन होने वाली, हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग
रहेगी और हमारी फाइनेंशियल जो भी है वो हेल्थ भी स्ट्रांग रहने वाली है। तो बहुत एक अच्छा मॉडल है वो हम देखने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर मैंने कहा कि लाइफ ये है पूरी स्ट्रेसफुल बन गई है, जैसे हम अभी मान लो जो बच्चे है उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है, उन्हें लगता है करियर का प्रेशर, रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स, सोशल मीडिया का प्रेशर, पीयर प्रेशर, इतना प्रेशर, हमें लगता है कि अरे बच्चों को स्ट्रेस क्यों आता है या बच्चों को स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है, पर उन्हें भी अपने अपने लेवल का एक स्ट्रेस होता है क्योंकि इस स्ट्रेस में, इस सिचुएशन में वो इतना फंस गए हैं कि उनको लगता है यार ड्यू टू दिस प्रेशर ना मेरी लाइफ तो खराब ही हो गया यार, तो इनको ऐसा लगने लगता है कि क्या है मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ तो पूरी बेकार होगी, मेरी लाइफ तो खराब होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम ने सेम मॉडल में ऐसा लगता है सभी लोगों को क्या रे तूने नाक में तो दम करके रखा है, मतलब ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से एक ही प्लेटफॉर्म होता है सभी के लिए, अलग अलग नहीं होता है, एक ही ढांचे में सभी को बांध लेते और वैसे ही जैसे एक मशीन होता है ना उसमें कुछ भी अगर डाला तो वैसे ही निकलेगा, तो सभी को एक ही सिस्टम में डालते रहते हैं और वैसे ही निकालते रहते हैं तो उसका आउटपुट नहीं निकलता। इसके वजह से इस एजुकेशन सिस्टम ने अगर आपने यंगस्टर को पूछा ना तो नाक में दम करके रखा है, फिर क्योंकि ऐसा होता है ना क्योंकि बच्चों को क्या करना है ये उनसे तो पूछा ही नहीं जाता है, किसी ने उनसे पूछा ही नहीं कि अरे तू करना क्या चाहता है, क्योंकि अगर बच्चों ने कहा ना कि अरे मुझे कुछ करना है तो पेरेंट्स कहते हैं अरे तुझे क्या करना है, तुझे कुछ नहीं आता है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता है, हम जो बोलते हैं ना वही तुझे करना है, जो तेरे स्टूडेंट्स जो तेरे टीचर्स बोलते हैं ना वही तुझे करना है, क्योंकि उसको पूछते नहीं है क्या करना है, क्योंकि क्या होता है फिर कंफ्यूज सिचुएशन हो जाती है, ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ। ऐसे सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं, सभी जो यंगस्टर्स होते हैं, ये हमेशा बोलते रहते हैं क्योंकि ना पेरेंट्स उनका सुनते हैं ना जो भी बाहर टीचर्स है वो उनका सुनते हैं, वो अंदर का कुछ बाहर निकाल ही नहीं पाते इसके लगे, उसकी वजह से उनको लगता है कि मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, सब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का कुछ पता नहीं, ऐसा होता है, इसलिए ऐसा उनको लगता है कि वॉन्ट फ्रीडम टू डिसाइड द करियर, उन्हें लगता है कि यार हमें एक बार ऐसा मौका मिल जाए कि हमारे अंदर का टैलेंट हमें खोजने का अगर ऐसा मार्ग मिल जाए ना तो ऐसा लगेगा कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा लगेगा क्योंकि हमें अगर बच्चों को अगर करियर डिसाइड करने का अगर चांस मिलता है ना तो उनकी दिशा के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार, उनके टैलेंट के अनुसार वो भी अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सप्रेस लाइफ जी रहे हैं, उनको ही पता नहीं चलता है कि ये कितना प्रेशर उनके साथ आ रहा है, ये एजुकेशन का प्रेशर अलग, ये प्रेशर अलग, तो उनको अंदर से क्या इच्छा होती है वो ही नहीं पता चलती, इसलिए उनको भी एक जरूरत है कि जा सिमरन जा, उनको भी लगता है कि किसी ने बोलना चाहिए यार जी ले अपनी जिंदगी, तुझे जो करना है, तुझे जो बनना है तू कर, क्योंकि सभी चाइल्ड का ड्रीम होता है, क्योंकि ये अंदर का जो दिमाग है ना वो समझ में नहीं आता है कि उसे कैसे ऑपरेट किया जाए या उसको कैसे अंदर ये सभी मटेरियल जो सिखाया जाता है ना वो अंदर जो दिमाग के अंदर कैसे डाला जाए। अगर हर एक चाइल्ड का एक ड्रीम होता है कि अगर ऐसा आप देख रहे हो गया, ऐसा ड्रीम होता है कि ऐसा कुछ हो जाए ना कि सभी जो पढ़ाते हैं लिखाते हैं ना वो एक ही तरीके से अंदर घुस जाए और कुछ ना कुछ हम एग्जाम में कुछ कर पाए, क्योंकि क्या होता है मेथड ही नहीं पता होते कि अंदर दिमाग में कैसे इंफॉर्मेशन जाना है, तो ऐसे ही करना होगा, अंदर वो लेकर वो समेटना होगा, कूट कूट के भरना होगा, क्योंकि हमें लर्निंग मेथड ही नहीं पता है बच्चों को कि किस तरीके से उसे बोला जाए, किस तरीके से उसे सिखाया जाए ताकि वो उस दिमाग में अंदर जाएगा। क्योंकि जैसे प्रशांत जी ने कहा कि हमारी एक आयुर्वेदा या जो भी हमारी बॉडी को लेकर एक मैनुअल, उन्होंने मैनुअल के जरिए एक बताया कि एक मैनुअल होता है कि कैसे उसे अप्रोच ऑपरेट किया जाता है, वैसे हमारे दिमाग का कोई मैनुअल ही निकला नहीं है अभी तक जिससे वो ऑपरेट किया जाए, तो अगर ऐसा मैनुअल अगर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाए तो कैसा होगा, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी किसी बच्चे की, क्योंकि उनको जो भी सीखना है वो अपने इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे और उनके लर्निंग स्टाइल के हिसाब से सीखेंगे। तो इसके वजह से आज जो मैं एक प्रेजेंट करने वाली हूँ आपके सामने वो एक DMIT मैनुअल
ही, जिससे आपके जो दिमाग का जो भी फंक्शन है वो आपको पूरी तरीके से समझाएगा। इसलिए आपके दिल से कहिएगा, क्योंकि दिमाग का जो भी दरवाजा है वो खोलने का मैनुअल हमारे पास आ गया है। इसलिए आपके दिल से पूछिएगा या दिल से कहिएगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एंड हम अभी आगे देखेंगे कि हमारे पास कौन सा एक मैनुअल है, ताकि हम अपने पूरे दिमाग के अच्छी तरीके से फंक्शंस, पूरे 100% हमारे दिमाग का जो भी यूज है हम कर सकते हैं। तो आइए हम देखिएगा कि दिमाग जो होता है या जो ब्रेन होता है, उसमें हमें जो भी हम इंफॉर्मेशन सीखते हैं, सिखाते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो हमारे दिमाग तक जाता है, वो तीन प्रकार के टैलेंट यहाँ पर दर्शाता है। इनबॉर्न टैलेंट जो होता है, जो बच्चों को जन्म से लेने से पहले जो आता है, दैट इज इनबॉर्न टैलेंट। बाहर जब आता है वो, और जो भी सीखता है, जो भी इंफॉर्मेशन लेता है, जो भी नॉलेज लेता है, जो भी हार्ड वर्क करता है, जिससे उसको एक्सपीरियंस मिलता है, दैट इज एक्वायर्ड टैलेंट। और जो भी कोई भी कहता है उसे कि अरे तू ये कर ले, तेरे में ये खूबी दिख रही है, तेरे में ये टैलेंट दिख रहा है, ऐसे कर, अगर कोई मुफ्त का गाइड करते और वो इन्फ्लुएंस हो जाए तो वो कहते इन्फ्लुएंस टैलेंट। ऐसे तीन प्रकार के टैलेंट होते हैं, इनबॉर्न, एक्वायर्ड एंड इन्फ्लुएंस टैलेंट। सो इसका भी एक्सपायरी डेट होता है, क्योंकि अगर इन्फ्लुएंस टैलेंट होता है तो वो क्या होता है, जब तक कोई बताता है कि अरे ये बहुत अच्छा तरीके से तू कर सकता है, इसका बहुत अच्छा ट्रेंड है, तो उस टाइम मोटिवेशन रहता है, फिर बाद में वो कम हो जाता है, फिर इन्फ्लुएंस टैलेंट की जो एक्सपायरी डेट है वो कम हो जाती है। देन एक्वायर्ड टैलेंट, जो भी वो संसार में आकर जो भी नॉलेज लेता है, वो मे बी उसके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं हो सकता है, वो उसके सिचुएशन के हिसाब से उसने लिया होगा, तो उसको भी कहीं ना कहीं एक एक्सपायरी डेट होता है। पर इनबॉर्न टैलेंटेड ऐसा एक टैलेंट होता है, जो अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट होता है, जिसके लिए हम बने होते हैं। वो टैलेंट के बेस पर अगर वो जान लेते हैं तो उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, क्योंकि जो भी चीज अंदर से आती है तो उसका एक्सपायरी नहीं होती, वो बहुत लास्ट होती है, अनलिमिटेड होती है। तो आइए हम देखते हैं कि डर्मेटोग्लिफिक्स क्या होता है। आपने तो ये दो दिन में देखा ही है, तो आपको एक पिक्टोरियल व्यू के अनुसार आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें और भी रिवाइज हो जाएगी। तो हम आगे देखते हैं कि डर्मेटोग्लिफिक्स क्या होता है। डर्मेटो इस मतलब जो होता है हमारा स्किन, डर्मा एक ग्रीक वर्ड है, उसका जो हम कहते हैं इंग्लिश फॉर्म में जो होता है उसका मीनिंग जो है स्किन, और जो ग्लिफिक्स जो होते हैं वो होता है रिजेस, जो हमारे स्किन पर जो कार्विंग्स होती है, और इसे पूरा हम कहते हैं डर्मेटोग्लिफिक्स। इसका पूरा जो स्टडी करना होता है उसे कहते हैं डर्मेटोग्लिफिक्स। इसका जो स्टडी किया है डॉक्टर हारोल्ड कमिंस, इन्होंने किया हुआ है। जैसे एक बच्चा जो होता है माँ के पेट में होता है, फ्रॉम 13 वीक्स टू 24 वीक तक, जो ये ड्यूरेशन पीरियड जो होता है उसमें उसका ब्रेन का डेवलपमेंट और उसके फिंगरप्रिंट का डेवलपमेंट जो होता है वो साइमल्टेनियसली होता है। और इस पर पूरा रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, फिंगरप्रिंट्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, और इसको रिलेटेड, ये इसको रिलेशन को दर्शाने वाली जो टेस्ट है, दैट इज अ डीएमआईटी टेस्ट, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे ब्रेन में क्या टैलेंट है, हमारे ब्रेन के कैसे फंक्शंस है, क्या हम उस कौन सा फंक्शन अच्छा काम करता है, कौन सा जो पार्ट है वो ज्यादा अच्छा काम करता है। ये पूरा जो स्टैटिस्टिक्स है हमें ये पूरा पता चलता है हमारे फिंगरप्रिंट के जरिए, सो 13 to 24 वीक तक। क्योंकि जब एक फैक्टर्स जो होते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए होते हैं वो है, पहला, अगर जब माँ के पेट में अगर जो बच्चा होता है उसमें तीन मेन फैक्टर्स जो होते हैं वो ब्रेन के डेवलपमेंट पर वो होते हैं, एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में, जिस क्लाइमेट में, जिस स्थिति में, जिस सिचुएशन में माँ रहती है उसका अफेक्ट भी होता है ब्रेन के ऊपर। दूसरा जो होता है थिंकिंग, जो भी माँ सोचती है, जिस वातावरण में रहकर वो सोचती है, या अच्छा सोचती है या नेगेटिव थॉट्स आते, जो भी आते, उसका भी जो भी असर है वो बच्चे के दिमाग पर होता है। तीसरा जो होता है वो जेनेटिक फैक्टर जो होता है, जो माँ बाप से जो जाता है वो जेनेटिक फैक्टर, ऐसे तीनों को कंबाइन करके उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, देन उसका जो इनबॉर्न टैलेंट है उसका डेवलपमेंट होता है।
जो एक डर्मेटोग्लिफिक टेस्ट, डर्मेटोग्लिफिक ये ऐसा है क्योंकि जो हमारी फिंगरप्रिंट्स जो होती है, फिंगरप्रिंट्स भी क्यों देखा जाता है क्योंकि ये फिंगरप्रिंट्स ऐसी होती है ये कभी भी किसी से मैच नहीं होती है, बहुत ही यूनिक होती है, किसी से भी मैच नहीं होती है। अगर हम देखा जाए तो हमारी 10 उंगलियां भी एक दूसरे से मैच नहीं होती है, तो किसी पर्सन से मैच करना तो बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। और ये जो होती है इनवेरियंस होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है, कितना भी एज ग्रुप जो होता है वो कम हो या ज्यादा हो, सिर्फ इंजरीज कुछ होती है तभी वो कम या थोड़ा सा फेड होती, नहीं तो नहीं होती है। तो ये बहुत ही यूनिक होती है। और हमारे जैसे ह्यूमन बींग होते, वैसी एक एनिमल है जिसे हम कोला बियर कहते हैं, उससे भी अनलग, जैसे हमारा ह्यूमन बींग का फिंगरप्रिंट होता है वैसे ही उनका भी होता है। तो एक रेफरेंस के लिए मैंने ये शो किया है। वैसे एक चिंपैंजी है, उनका भी, उनके भी जैसे होता है हमारे जैसा ही फिंगरप्रिंट उनका शो होता है। फिंगरप्रिंट सिर्फ हमारा ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फिंगर्स का ही ले सकते, हमारे हाथों के ऊपर भी होता है, सोल के ऊपर भी होता है और हमारे टोज के ऊपर भी प्रिंट्स होते। पर हाथों का लेना बहुत इजी होता है, कन्वेंशनल होता है, इजी तरीके से हम ले सकते, इसलिए हम हाथों के फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। तो मेन फिंगरप्रिंट्स लेने का मेन ये ही होता है एजेंडा, क्योंकि ये चेंज नहीं होते, ये हमारी अलग अलग, जैसे यूनिक टैलेंट होता है वैसे हमारी फिंगरप्रिंट्स भी यूनिक होती है, ये किसी से मैच नहीं होती, इसलिए हमारा टैलेंट भी किसी से मैच नहीं होता है। तो ये बहुत ही यूनिक होती है। ऐसे देखा गया है कि जिसके अंदर जो ब्रेन ही नहीं होता है उसके फिंगरप्रिंट जो होते वो नहीं होते, बहुत ही वो स्मूथ होते हैं। अगर डाउन सिंड्रोम या एनएसएफएल अगर आपने सुना होगा कि जिसका यहाँ पर उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं होते, जिनके प्रिंट्स डेवलप नहीं होते हैं, ये जिनका दिमाग ही नहीं होता है, ब्रेन नहीं होता, उनके फिंगरप्रिंट्स से डेवलप नहीं होते, उसे हम डाउन सिंड्रोम कह सकते हैं या एनएसएफएल सिंड्रोम भी हम कह सकते हैं। डीएमआईटी हमें क्या बताता है ये हम देखेंगे। अभी तक हमने जाना कि डर्मेटोग्लिफिक्स क्या होता है, आगे हम देखेंगे कि डीएमआईटी कैसे हमें क्या क्या समझ में आता है। तो हम आगे चलकर हम देखेंगे कि डीएमआईटी में हमें कौन से जो पॉइंट्स है वो हमें समझ में आते हैं। अभी जो था पहला जो हमने पार्ट देखा कि अवेयरनेस ऑफ डीएमआईटी और डर्मेटोग्लिफिक्स क्या है, फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं और उसका ब्रेन से हमारा क्या रिलेशन होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमारे जो डीएमआईटी रिपोर्ट है उसमें हम क्या क्या जो पॉइंट्स है जिससे हमें क्या क्या हमारे दिमाग के फंक्शन समझ में आते हैं, तो ये हम देखने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने देखा कि मोस्ट ऑफ हम जो हमारे ब्रेन का यूज नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर का फंक्शन ही हमें पता नहीं होता कि कैसे हमें उसे फंक्शन, उसे कैसे ऑपरेट करना है। अगर कोई भी, अगर आप मर्सिडीज भी ले लो, अगर उसको चला नहीं सकोगे आप तो उसका कोई यूज नहीं होता है। तो अगर हमारे दिमाग इतना वैल्यूएबल है, उसका इंपॉर्टेंस इतना है, उसका पावर इतना है, अगर हम पूरा अच्छे तरीके से उसको जान लेते हैं, सीख लेते हैं, तो ही हम उसका 100% यूज कर पाते हैं। तो डीएमआईटी वही एक टेक्निक है जिससे हम पूरा डीएम हमारे ब्रेन का जो भी वर्किंग हम समझ पाते। तो आइए देखिएगा कि हम ये डर्मेटोग्लिफिक्स में एक मेन जो होता है स्प्लिट ब्रेन थ्योरी, जो डॉक्टर रॉजर्स पेरी जो है उनको एक नोबेल प्राइज मिला है, जो स्प्लिट ब्रेन मतलब हमारा जो ब्रेन होता है वो टू टाइप्स ऑफ ब्रेन होता है, जैसे लेफ्ट ब्रेन होता है एंड द राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन का काम अलग होता है, जैसे नंबर, वर्ड्स, लॉजिक, डिटेल, लिस्ट करना, जैसे राइट ब्रेन का काम होता है उसका पिक्चर, कलर, रिदम, स्पेस और ये पूरा जो काम होता है राइट ब्रेन का। लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट साइड को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और दोनों का जो काम करना है वो अलग अलग होता है। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एकेडमिक्स में हम पाते हैं, लॉजिकल तर्क वितर्क करने की क्षमता जो होती है हमारी लेफ्ट की होती है, राइट की जो क्षमता होती है हमारी पिक्चर्स, कलर्स और इस फॉर्मेट की जो होती है, कला क्षेत्र में, आर्ट क्षेत्र में इंटरेस्ट रहना, वो हमारे राइट ब्रेन का काम होता है। तो हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन का दोनों का अलग अलग काम होता है। और जैसे मैंने कहा कि हमारा ब्रेन जो होता है हमारे फिंगर्स से कनेक्टेड होता है, वैसे ही हमारे जो ब्रेन होते हैं उसमें 5 प्रकार के लोब्स होते हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन तो एक डिवाइड हो गया, फिर उसमें 5 प्रकार के लोब हो
होते हैं, जैसे प्रीफ्रंटल लूप जो हमारे फोरहेडिक पार्ट जो होता है वहां पर होता है, उसका काम जो होता है एग्जीक्यूशन करने का काम होता है, वो हमारे थंब से रिलेटेड होता है, जो हमारा थंब होता है उससे होता है। दूसरा जो होता है पोस्ट फ्रंटल या फ्रंटल लोब कहते हैं हम, वो हमारे थिंकिंग का काम करता है, वो हमारे इंडेक्स फिंगर से होता है। तीसरा जो होता है पैराइटल लोब, वो हमारे काइनेस्थेटिक एबिलिटी, जो भी हमारी मोशन होती है वो हमारे मिडल फिंगर से कनेक्टेड होता है। देन आता है हमारा टेम्परल लोब, जो हमारे हियरिंग कैपेसिटी, जो हमारे ब्रेन की जो क्षमता होती है, जो हमारे मेमोरी पावर, जो भी स्टोरेज जो होता है ना हमारा, वो हमारा जो होता है टेम्परल लोब का होता है। एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सिपिटल लोब, जो भी हमारा विजन का काम जो होता है, विजुअल का काम होता है, जो हमारे लिटिल फिंगर से कनेक्टेड होता है, वो हमारा होता है ऑक्सिपिटल। ऐसे पांच प्रकार के हमें लोब्स होते हैं। हमारे हर एक लोब की क्षमता कितनी ज्यादा है, किसकी कितनी ज्यादा है, उससे हमारी पूरी फंक्शंस यहाँ पर समझ में आते हैं। देन हमें इसमें समझ में आते हैं कि हमारी लर्निंग स्टाइल्स क्या है। तीन प्रकार के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। ऐसे तीन प्रकार के, क्योंकि हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाने के लिए जो हाईवेज होते हैं उसमें तीन हाईवेज आदि मेन हाईवेज की हमें विजुअल देखकर समझ में आता है, सुनकर समझ में आता है, या खुद करके समझ में आता है। ऐसा ये लर्निंग स्टाइल है। क्योंकि अगर आपका लर्निंग स्टाइल, मतलब हमारा गेट, अगर क्या गेट का क्या नंबर है, अगर हम वो जान लेते हैं ना, अगर उस जो लॉक होता है, उसकी चाबी जो होती है, जो की होती है, वो अगर हमें पता चल जाती है ना, तो अच्छी तरीके से खुल पाता है। तो वो हमारी की जो होती है, अगर विजुअल है तो हम देखकर समझ पाते हैं, अगर वो ऑडिटरी है तो हम वो कानों से सुनकर समझ पाते हैं, या हमारी जो की है वो काइनेस्थेटिक है तो हम करके समझ में आते हैं। तो हमारी एग्जैक्टली की कौन सी है, तो वो की अगर हमें समझ में आती है तो जो भी हम सीखते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर इजीली पहुंच पाता है। देन इससे हमें समझ में आता है डिक्स प्रोफाइलिंग। डिक्स प्रोफाइलिंग जो डॉक्टर विलियम मॉर्स्टन जो है, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, जो एक एंथ्रोपोलॉजर है, उन्होंने स्टडी किया है 1000 बिहेवियर पैटर्न्स को स्टडी करके उन्होंने डिक्स प्रोफाइलिंग निकाला है, जिससे हमारी अलग अलग पर्सनैलिटी हमें समझ में आती है, कि जो भी पर्सन होते हैं अलग अलग कैसी पर्सनैलिटीज होती है वो समझ में आती है। तो हम अभी देखेंगे एक एक करके कि क्या पर्सनैलिटी होती है। तो उसे डिक्स पर्सनैलिटी हम कहते हैं। सो डी स्टैंड्स फॉर डोमिनेंट, और फिर विलियम मॉन्स्टन इन्होंने क्या किया है, इसको डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल, स्टडी और जो कंप्लाइंट है, ऐसे करके डिक्स प्रोफाइल में उन्होंने एक इन्वेंट करके उस पर रिसर्च करके ढूंढ के निकाला है। और डॉक्टर ग्रे करके है, उन्होंने इसको एक बोर्ड के फॉर्मेट में डाला है। तो ये बोर्ड फॉर्मेट क्या है वो हम देखेंगे, कि एक डोमिनेंट जो होता है वो ईगल के जैसे हम दर्शाते हैं, ईगल बर्ड के जैसे दर्शाते हैं। वो जो लोग होते हैं ना, बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, पर बहुत ही एग्रेसिव भी होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, कि उनको लगता है यस आई कैन डू इट, और बहुत ही गोल ओरिएंटेड रहते हैं, खुलकर अकेले जीना बहुत पसंद करते हैं, ये फॉलोवर नहीं बनते हैं, इनको फॉलोइंग जो होती है, ये खुद जो होते लोग उनको फॉलो करती है, किसी को फॉलो नहीं करते हैं। ये ऐसे टाइप की पर्सनालिटी होती है जो हम कहते हैं डोमिनेंट, और हम इसे बर्ड फॉर्मेट में अगर हम जान लेते हैं तो इसे ईगल से दर्शाते हैं। देन आता है इन्फ्लुएंसल, द वर्ड इटसेल्फ से कि इन्फ्लुएंस करना, कि जैसे पीकॉक जो होता है अपने पंख फैलाता है तो सभी का अट्रैक्शन कर लेता है, तो इनमें जो क्वालिटीज होती है वो ऐसे होते हैं, इनको जो कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं ना, अगर इनकी तारीफ अगर आप कर दो ना, तो इनसे कुछ भी आप काम करवा लो ये काम करने को रेडी हो जाते हैं। तो इनको काम जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो बहुत पसंद होते हैं, पर ये जो लाइफ में रिस्क लेना पसंद करते ना, बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही एकदम से पूरा मेजर करके रिस्क लेते हैं, कि अरे ये लेने के बाद, ये कदम उठाने के बाद क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये पूरा प्लानिंग के साथ ही वो कदम उठाते, रिस्क बहुत ही मुश्किल से ले पाते हैं। और अटेंशन सीकर होते हैं ये, जहां भी जाते हैं ना लोग इनसे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, जो भी बात कहते हैं बहुत कन्वेंशनल पावर उनमें होती है, कन्विंस कर पाते हैं, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं ये लोगों को। देन कंप्लायंट, जो हम आउल्स से दर्शाते हैं, ये बहुत ही ऑब्जर्वर होते हैं, देखते रहते लोग क्या करते हैं, इसकी वजह से बहुत ही क्यूरियस होते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या जानने के लिए, कुछ नई इंफॉर्मेशन जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस होते हैं। परफेक्शनिस्ट होते हैं, कुछ भी काम करना हो ना एकदम से परफेक्ट
करते हैं, अगर कुछ लिखना भी हो ना, यहाँ पर मार्जिन लिखेंगे, यहाँ पर मार्जिन, और सेंटर में बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे। ऐसे ये लोग होते हैं, रूल मेकर होते, कोई भी अगर कुछ काम करना हो, कुछ भी गाइड करना हो तो रूल मेकर होते, ये ऐसा करना है, स्ट्रेटजीज प्लान करने में ये बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। देन फोर्थ कम्स द स्टडी डाउन नेचर, बहुत ही शुद्ध, जो भी उनका कलर ही बताता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऐसे होते, काम होते हैं, कूल होते हैं, बहुत ही पेशेंस इनके पास होता है, ये समय का या अपॉर्चुनिटी की राह देखने में अच्छा बिलीव करते हैं कि यस, मेरा जो मैंने जो किया है ना, उसका कभी ना कभी फल मिलेगा, ऐसे टाइप के ये लोग होते हैं। काम होते पेशेंट, हार्ड वर्कर भी बहुत होते हैं, मल्टीटास्कर, ये भी काम वो भी काम सब करना चाहते हैं, पर इनको क्या होता है, जब वो किसी अगर किसी ने कुछ बोल दिया ना तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको एनकरेजमेंट की जरूरत होती है, अरे तू कर सकता है, तू कुछ कर। और ये लोग जो होते हैं पीपल ओरिएंटेड होते हैं, किसी को हेल्प करने में, किसी को कुछ मदद करने में बहुत इनको अच्छा लगता है। तो ये स्टडी टाइप के लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। आई थिंक कोई सुन पा रहा है मुझे, तो एटलीस्ट एक बार मुझे कह दीजिएगा कि यस वी आर देयर, क्योंकि मैं ही बात कर रही हूँ। यस ओके, थैंक यू सर। ओके, हम ये देखा हमने डिक्स प्रोफाइलिंग, तो हम आगे बढ़ते हैं कि हम क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं, कि अभी तक आपने आईक्यू के बारे में देखा है, तो हम आगे जाकर हम देखने वाले हैं कि आईक्यू, वीक्यू, ईक्यू, एक्यू क्या, सीक्यू क्या होते हैं। तो हम देखेंगे एक एक करके कि आईक्यू जो होता है इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन होता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन जो होता है आईक्यू, जो भी हम अभी तक जो भी ज्यादातर मानता है या किसी को जज करना है तो उसके आईक्यू के लेवल पर हम जज करते हैं। तो एक आईक्यू लेवल इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन जो भी होता है वो हमें बताया जाता है डीएमआईटी के जरिए। तो नेक्स्ट जो होता है इसमें ईक्यू, आईक्यू के बारे में तो सभी को पता है, ईक्यू दैट इज इमोशनल क्वेश्चन, भावनिक बुद्धियांक जिसे हम कहते हैं, कि हमारी भावनाओं पर हमारा कैसे कंट्रोल होता है, हम अपने भावनाओं से लोगों से कैसे जोड़ लेते हैं। आईक्यू के बेस पर आप सफल हो सकते हो, पर ईक्यू के बेस पर आप पूरी जो भी आप जिस से काम कर रहे हो, जिस भी संस्था से जुड़े हुए, जो भी आप कंपनी से जुड़े हो, जो भी आप काम करते हो, जो भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं, इनको भी आप सक्सेसफुल बनाते हो। तो ये इमोशनल क्वेश्चन जो होता है इसमें मदद करता है कि आपकी इमोशनल क्वेश्चन कैसा है, आपकी भावनाओं पर आपका कैसे कंट्रोल है। तो इसका मीन जो भी एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रहा है तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि इनका जो भावनाओं पर कंट्रोल कितना है, लोगों से जुड़ाव इनका कैसा है। देन आता है एक्यू, एडवर्सिटी क्वेश्चन, जो एडवर्सिटी क्वेश्चन जो होता है कि लाइफ में जो उतार चढ़ाव जो होते हैं वो बहुत होते हैं, और उस उतार चढ़ाव को ओवरकम करने की जो भी क्षमता है वो हमें एक्यू बताता है, एडवर्सिटी क्वेश्चन बताता है। क्योंकि आपको अगर सोइशिरो होंडा, इनका अगर आपने बायोग्राफी, इनका लाइफ स्टोरी अगर आपने देखा, तो लाइफ के अंदर कितने फेलियर होना चाहिए, तो उनका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि उस फेलियर से भी कैसे उठकर वो बाहर निकले हुए हैं। और उन्होंने जो होंडा है वो एक जो वर्ल्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर, ऐसा एक रोल प्ले किया है। तो उनका अगर लाइफ स्टोरी आप देखोगे कि इन्होंने जो भी उनके लाइफ में उतार चढ़ाव हुए थी, जो भी उन्होंने सेटअप किया था, उनकी फैक्ट्री जो सेटअप की थी वो बॉम्ब बम्बार्डमेंट में, वॉर में, और जो भी वर्ल्ड वॉर हो रहे थे तब, फिर बाद में अर्थक्वेक्स में उनका पूरा कोलैप्स हो चुका था। उस पूरे कोलैप्स सिचुएशन में भी उन्होंने बाहर निकले हुए है वो निकले हुए थे वो, और उन्होंने जो भी था उनका सपना था वो बिल्ड किया था। 18,000 कस्टमर जो भी साइकल्स जो ओनर्स थे उनको उन्होंने लेटर भेजा था कि उनका जो भी इन्वेंशन जो भी था, उन्होंने एक बार ऐसे किया था कि जब वॉर जो चल रहा था उसमें जो फ्यूल है उसकी कमी हो गई थी, इसके वजह से उन्होंने क्या किया था, जो साइकिल था उस पर एक मोटर बिठाई थी ताकि वो जो फ्यूल है वो ना लग सके। तो वैसे ही उन्होंने मॉडल वो जो 18,000 जो साइकिल्स जो भी वेंडर्स थे उनको उन्होंने कॉल किया था, सॉरी उनको लेटर्स लिखे थे उन्होंने। तो 18,000 मतलब उनका पेशेंस लेवल, या अगर आप देख सकते हो उनकी बायोग्राफी अगर आप देखोगे तो उससे पता चलेगा कि आपके लाइफ में कितना भी एडवर्स सिचुएशन आया तो उस
पर उठने की क्षमता कितनी है, तो ये आपका जो है विपरीत परिस्थिति को आपको ओवरकम करने की क्षमता आपकी कितनी है, तो ये आपका EQ दर्शाता है। क्योंकि लाइफ अगर हो तो उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आनी है, क्योंकि आपको पता है जो भी मीटर होता है हॉस्पिटल में जिसमें जिगजैग लाइन होती है ऊपर नीचे, अगर वो ऊपर नीचे होती है तो ही आदमी जिंदा होता है, अगर वो स्ट्रेट लाइन होती है तो आदमी क्या होता है आपको भी पता है। इसलिए लाइफ जो होती है उतार चढ़ाव तो एक्सेप्ट करना है, तो उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता EQ बताता है। देन कम्स द क्रिएटिव क्वेश्चन जो राइट ब्रदर्स ने बताया कि जो बर्ड्स थे वो उड़ते थे, तो उन्होंने देखा कि जैसे एक पंछी जो है जैसे वो उड़ सकता है, क्या एक इंसान भी उड़ सकता है? तो उन्होंने उनकी क्रिएटिव ब्रेन का यूज करके जो आपके सामने दिखाया जो एरोप्लेन जो है जो प्लेन है उनका उन्होंने इन्वेंशन किया था। तो एक क्रिएटिव पावर के बेस पर आप क्या कर सकते हो, तो ये उन्होंने हमारे सामने एक एग्जांपल क्रिएट कर दिया है। क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आप एक इंजीनियर बन सकते हो, अगर सक्सेस बियॉन्ड सक्सेसफुल होना है तो आपको क्रिएटिव क्वेश्चन आपके क्रिएटिव पावर का यूज करके फिर आप एक मार्जुकल पर सुंदर पिचाई बन सकते हो। तो आपको सक्सेसफुल होना है, सक्सेस बियॉन्ड सक्सेस होना है, तो ये आपके आप पर निर्भर करता है। देन आता है विजनरी क्वेश्चन VQ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपका विजन कैसा है आगे को लेकर, आपकी किसी भी चीज को लेकर आपका विजन कैसा है, कैसे आपको थर्ड एंगल आपका किसी से बिल्ड होता है, किसी परिस्थिति को देखने का एंगल आपका कैसा है, किस सिचुएशन को आप बियॉन्ड लिमिट कैसे सोच पाते हो। तो अगर आपके सामने अगर ये टेस्ला एक एग्जाम्पल है जो मार्क्स इलॉन जो है इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि इलेक्ट्रिक कार के ऊपर जो एक विजनरी जो एक पर्सन जो है, तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है। तो VQ स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन, आगे जाकर हम देखते हैं, थोड़ा मैं फास्ट करती हूँ क्योंकि टाइम भी है कम है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस है, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर इन्होंने जो इन्वेंट किया है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारी होती है उसके बेस पर 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस उन्होंने ढूंढ के निकाले हैं। ही स्टिल अलाइव, ही 77 इयर्स ओल्ड नाउ, और उनकी एक बुक है फ्रेम ऑफ माइंड। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं। पहला जो मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है वो लॉजिक, जो नंबर और तर्क वितर्क करने की क्षमता अगर आप में अच्छे हो तो आपके अंदर वो 3 करियर आप कर सकते हो। बहुत सारे उसमें ऑप्शंस है, तो मैंने सिर्फ आप के लिए 3 ऐसे एग्जांपल्स रखे हैं। अगर आपका लॉजिकल मैथमेटिक्स अच्छा है तो आपके लिए मैथमेटिशियन बनना, साइंटिस्ट बनना, इंजीनियर बनना, ये आपके करियर हो सकते हैं अगर ये आपके अंदर टैलेंट है। लिंग्विस्टिक, अगर आपकी लैंग्वेज पर अगर कंट्रोल है, ये स्किल आपको बताता है कि आपके लैंग्वेज पर आपका कितना कंट्रोल है, तो उसके बेस पर आप एक पोएट बन सकते हो, एक राइटर बन सकते हो, एक लॉयर बन सकते हो। तो आपके सामने हमारे इंडिया के बेस्ट ऐसे पर्सनैलिटीज का एग्जाम्पल दिया गया है कि आप इस बेस के ऊपर, एक इंटेलिजेंट के बेस पर भी आप कितना सक्सेसफुल बन सकते हो, क्योंकि सिर्फ आप नहीं इस क्षेत्र में बहुत अलग अलग लोग सक्सेसफुल बन चुके हैं, तो इससे ही इंस्पायर होना है हमें। देन बॉडीली काइनेस्थेटिक, हमारे पूरे बॉडी का यूज करके हम कैसे हमारी स्किल को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसमें हमारी लर्निंग एबिलिटी हमारी बॉडी को लेकर कितनी है, तो एक एथलीट, एक कोरियोग्राफर, एक एक्टर आप बन सकते हो। इसके बेस पर अपने पूरे बॉडी का यूज कैसे आप कर सकते हो, तो बॉडीली काइनेस्थेटिक। देन आता है स्पार्शियल और विजुअल, विजनरी बनना, थर्ड एंगल किसी चीज का देखना, कुछ इमेजिन करना, अलग देखना, आउट ऑफ द वर्ल्ड जो एक थिंकिंग होता है वो रखना, अलग कुछ इन्वेंट करना, ये स्पार्शियल और विजुअल जो भी स्किल होता है उसमें होता है। तो एक फैशन डिजाइनर बन सकते हो, एक चेस प्लेयर आप बन सकते हो, एक आर्टिस्ट आप बन सकते हो। इंटरपर्सनल मतलब लोगों से कैसा आप कनेक्शन है आपका, लोगों से रिलेशन आपका कैसा है, तो ये पीपल स्मार्ट लोग ऐसे होते हैं जिनका लोगों से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो इन्फ्लुएंशियल एक क्वालिटी उनमें बहुत अच्छी होती है, बहुत लोगों को अच्छा कन्विंस कर पाते, तो एक पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल ट्रेनर हो सकते हैं, टॉक शो एक होस्ट हो सकते हैं, ये भी आपका करियर हो सकता है।
इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल मतलब खुद सेल्फ लर्नर जो कहते हैं, या सेल्फ इंडिपेंडेंट ऐसे कहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड लोग जो कहते हैं वो, ये ज्यादा लोग ये बात नहीं करते हैं और उनके काम से वो लोगों को बताते हैं ये कैसे पर्सनैलिटी है। तो उनके जो कदम जो होते हैं वो रखने के बाद, कुछ सफलता प्राप्त करने के बाद लोगों को पता चलता है, ना कि पहले ही ये बताते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये ऐसे लोग होते हैं। तो एक स्पिरिचुअल लीडर जो कितने काम होते हैं पर उनका जो नेचर बहुत काम होता है, पर उनका काम अगर देखो तो बहुत ही अलग होता है। सोशल वर्कर, एंटरप्रेनर, ये ऐसे ही लोग होते हैं। देन जिनका म्यूजिकल एबिलिटी बहुत अच्छा होता है, जिनको म्यूजिक रिकॉग्नाइज करना, उनको रिमेम्बर करना ये बहुत अच्छा लगता है, तो एक सिंगर बन सकता है, म्यूजिकल डायरेक्टर बन सकता है, सॉन्ग राइटर बन सकता है। तो बहुत अलग अलग ही इंटेलिजेंस है, उसमें भी करियर है, तो उसमें भी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। देन लास्ट आता है एट इंटेलिजेंस, जो होता है नेचर स्मार्ट, जिससे आप नेचर से बहुत उनसे लगाव होता है, नेचर बहुत अच्छा लगता है, प्लांट्स, एनिमल, पेट एनिमल्स को रखना अच्छा लगता है। तो एक बॉटनिस्ट बन सकते हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हो, जियोलॉजिस्ट बन सकते हो। ऐसे 8 प्रकार के मल्टीपल इंटेलिजेंस हमने देखे हैं, जिसे हमें, अगर हमारा कौन सा इंटेलिजेंस अच्छा है उसके बेस पर हमारा करियर भी अच्छा डिजाइन हो सकता है। तो ये 8 प्रकार के मल्टीपल इंटेलिजेंस थे। तो मैं थोड़ा सा क्विक, हमने एक देखा कि डर्मेटोग्लिफिक्स क्या होता है, उसमें हमने ब्रेन्स के 2 पार्ट देखे है, देन हमने लर्निंग स्टाइल देखे है, हमने देखा है पर्सनालिटी टाइप्स देखे हैं, देन हमने क्वेश्चंस देखा है, देन हमने 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस देखा है। ये हमारे पूरे डीएमआईटी में कवर होता है। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे डीएमआईटी के बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो हम एक एक करके हम बेनिफिट देखेंगे कि यस, ये हमारे, अभी हमने देखा कि यस डीएमआईटी में क्या क्या होता है, क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं, और अभी हम देखेंगे बेनिफिट्स। इसमें मेन बेनिफिट जो होता है हमारे स्ट्रीम सिलेक्शन की, किस पाथ में अगर हमें आगे बढ़ना है, किस सब्जेक्ट में हमें आगे बढ़ सकते हैं, तो ये सब्जेक्ट का सिलेक्शन जो है वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो स्ट्रीम सिलेक्शन, इसमें रेमेडीज भी मिलती है, सिर्फ डायग्नोज नहीं होता कि आपके अंदर ये कमी है, ये ज्यादा है। तो इसमें रेमेडीज भी मिलती है कि अगर कोई भी, अगर आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन है, एक्यू अगर कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, तो ऐसा भी आपको गाइडेंस मिलता है। अगर टॉडलर है, फर्स्ट टू फोर्थ एज ग्रुप है, अगर उसका बिहेवियर पैटर्न अगर पता चल जाए ना, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे, उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये पेरेंट्स के आगे बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, तो उनको किस प्रकार समझाया जाए, क्योंकि 2 सिबलिंग्स अगर होते हैं, 2 बच्चे अगर होते हैं, उनका जो परेशान करते हैं वो, अगर वो चिड़चिड़ापन होता है, वो अगर फाइट करते हैं, तो वो कौन सा ऐसा डायरेक्शन अगर उनको बताया जाए, या कौन सा अगर उसका बिहेवियर पैटर्न अगर उनको पता चल जाए, तो उस प्रकार उनको वो गाइड कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा जाए तो बच्चों को लेकर बहुत ही होता है कि अरे ये बहुत परेशान करता है, ये मोबाइल में ही रहता है, उसको किस प्रकार समझाया जाए, तो ये इसमें समझ में आता है। देन उसमें चाइल्ड की जो लर्निंग स्टाइल है वो समझ में आती है, ताकि हम लर्निंग स्टाइल को जानकर उनको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते, उनको सिखा सकते, ताकि वो पूरी इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट के साथ पढ़कर वो अच्छी तरीके से ब्रेन में रख सकते हैं, और फिर उसका बाद में यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर अभी के बच्चे देखोगे तो सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़ते, अगर एग्जाम के दूसरे दिन अगर उनको वो क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो उनको वो आता नहीं है। इसलिए सभी वो जो भी है पैरेट लर्निंग करते हैं, तो अभी ये करना नहीं होगा, क्योंकि लर्निंग स्टाइल अगर उनको पता चल गए तो वो जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी तो उनके इंटरेस्ट के अनुसार जाएगी, और वो हाईवे के अनुसार जाएगी, उनके अच्छे जो भी उससे वो इंफॉर्मेशन उनके दिमाग तक अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म तक रहेगी। देन अगर टीनेजर बच्चे है, यंग एडल्ट है, तो उनके स्ट्रेंथ और उनके वीकनेस आपको समझ में आते हैं कि इनके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। देन अगर एडल्ट है तो वो किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, कौन सा फील्ड वो चूज कर सकते हैं, तो ये समझ में आता है, क्योंकि करियर डायरेक्शन क्या हो सकती है, ये उनका समझ में आता है। देन एडल्ट है तो बहुत ही अलग अलग करियर ऑप्शन होते हैं, जो इंजीनियरिंग फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, बाकी स्पोर्ट्स फील्ड हो, कल्चरल फील्ड हो, बहुत सारे अलग अलग फील्ड के आपको गाइडेंस मिल सकते हैं। अगर मैट्रिमोनियल मैच करना है, तो अगर आप देखोगे कि जो भी अगर शादी करना चाहता है, तो वो उनका एक विश होता है कि जो भी पार्टनर हो उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो ये अंडरस्टैंडिंग मैच होने के लिए उनका, अगर आप पर्सनैलिटी मैच करते हो, तो ये डीएमआईटी से पॉसिबल हो सकता है।
तो ये मैट्रिमोनियल मैचिंग के लिए भी इसका यूज हो सकता है. देन इम्प्लॉय सिलेक्शन, अगर कोई भी बिजनेसमैन है तो उसका अगर इसको इम्प्लॉय सिलेक्ट करना है तो उसके स्किल के अनुसार वो इम्प्लॉय को सिलेक्ट करेगा, और स्किल के अनुसार उसको अगर काम दिया जाएगा तो उसकी स्किल के अनुसार वो काम करेगा, एंड देन उसके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर वो काम करेगा तो उसका आउटपुट भी वैसे ही आने वाला है, क्योंकि वो अपने काम करेगा तो अपनी मर्जी से और आपकी इंटरेस्ट के अनुसार करेगा. तो इम्प्लॉय सिलेक्शन करने के लिए भी इसका यूज करते आ रहे हैं और कर सकते हैं. तो ये बहुत ही एक ऑथेंटिक प्रोसेस है जिसमें स्कैनिंग होता है, स्क्रीनिंग होता है, बहुत अच्छी तरीके से उसका डिकोड किया जाता है, एसोसिएशन किया जाता है, एंड देन ये पूरा डिजाइन होता है. 30 टाइप्स से 30 टाइम्स ये फिंगरप्रिंट्स का पूरा स्कैनिंग किया जाता है. तो